नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन इन द वीडियो। और आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं वो है एंटी मैट्रिक्स पार्ट 3। पार्ट 1 और 2 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। पार्ट 1 में हमने देखा था कि क्या कारण है वॉमिटिंग के और कौन से रिसेप्टर्स इन्वॉल्व हैं, और उसी बेस पर हमने पार्ट 2 में देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। क्योंकि हमें पता है कारण क्या है, रिसेप्टर्स कौन से इन्वॉल्व है, तो रटने की जरूरत ही नहीं है। हमने निमोनिक्स दिए थे पहले में भी और दूसरे पार्ट में भी, और वीडियो बिल्कुल आसान बन गया था। उसी क्रम के अंदर आज का जो वीडियो है इसमें हम देखेंगे इंपॉर्टेंट ड्रग्स, जिस पर शॉर्ट नोट पूछा जाता है एग्जाम में, या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जिस पर बनते हैं। हमने सारे ड्रग्स नहीं लिए हैं, वही ड्रग्स लिए हैं जिन पर आज तक एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा गया है या जो इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लेट अस स्टार्ट द पार्ट 3 ऑफ एंटी इमेटिक्स। देखिए, क्लासिफिकेशन में आपने देखा था अलग अलग कैटेगरी की ड्रग थी, उसमें एग्जाम्पल भी समझा दिए गए थे आपको निमोनिक्स की वजह से, ट्रिक्स की मदद से। तो उसी के अंदर अलग अलग ड्रग्स हैं। तो ये जो ड्रग है पहली हम देखेंगे, इस ड्रग का नाम है हायोसिन। हायोसिन का एक और नाम है क्या, स्कोपोलामीन। तो भैया इसका नाम स्कोपोलामीन है, तो आपको याद रखना है कि इस ड्रग के अंदर इसका नाम स्कोपोलामीन क्यों है, क्योंकि इस ड्रग के अंदर एक स्कोप है। कौन सा स्कोप है कि भैया दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जो स्कोप है वो एक ड्रग में है। अब स्कोप किस चीज का, मोशन सिकनेस को ठीक करने का। तो यस, स्कोपोलामीन ओनली ड्रग विद हाईएस्ट स्कोप फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मोशन सिकनेस। अब मोशन सिकनेस आप समझते हो, जब ट्रेवलिंग में जब जाता है पेशेंट या इंडिविजुअल तो वॉमिटिंग की प्रॉब्लम है, उसी को बोलते हैं मोशन सिकनेस। और यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज यह है कि इसका ट्रांसडर्मल पैच भी अवेलेबल रहता है। अभी ट्रांसडर्मल पैच क्या है, इट इज पार्ट ऑफ ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। उसको यहाँ पर पीना के अंदर नीचे पीना के पीछे लगाते हैं और 72 आवर्स तक उसका ड्रग रिलीज होता रहता है। तो मतलब स्कोपोलामीन हाईएस्ट स्कोप, स्कोप से बना स्कोपोलामीन, ये क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरी ड्रग है कौन सी, डॉक्सिलएमीन। डॉक्सिलएमीन के अंदर खासियत आपको याद रखनी है कि एंटी हिस्टामिनिक है, हम बता चुके हैं पार्ट 2 के अंदर, और एंटी कोलिनर्जिक प्रॉपर्टी है इसके अंदर। तो कहने का मतलब फायदा तो मिल रहा है एंटीबायोटिक, लेकिन साइड इफेक्ट क्या होंगे इस पर बेस्ड होंगे। और एंटी कोलिनर्जिक के साइड इफेक्ट क्या है आपको मेरा वीडियो देखना पड़ेगा, वहां पर भी निमोनिक्स की फॉर्म में आपको समझाया गया है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा गया है कि डॉक्सिलएमीन जो है ना, इट इज यूज फॉर मॉर्निंग सिकनेस। अभी मॉर्निंग सिकनेस क्या है, अर्ली प्रेगनेंसी वॉमिटिंग। जो प्रेगनेंट लेडी है उनको मॉर्निंग में वॉमिटिंग की समस्या है, उसको यूज में, उसको दबाने के लिए यूज में ली जाती है। लेकिन इंडिया के अंदर ही सबसे ज्यादा इसका यूज है इस तरीके का, और इसको लिया जाता है विटामिन B6 के साथ। सो इट इज डॉक्सिलएमीन। तीसरी ड्रग आती है कौन सी, सिनारिज़िन। यस, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि एंटी वर्टिगो ड्रग कौन सी है, तो सिनारिज़िन कौन सी है, एंटी वर्टिगो। और वर्टिगो क्या है, चक्कर आने वाली कंडीशन है, मैं डिटेल में नहीं जा रहा, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए। अब इस ड्रग को याद करने का तरीका या इसका मैकेनिज्म क्या है, देखो सी मतलब कैल्शियम इन अंदर आ रही है, ना कर दिया तो सी इन ना, कैल्शियम की एंट्री को ना कर दिया, और इसीलिए इसका नाम क्या है, सिनारिज़िन। मतलब द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सिनारिज़िन इज इट prevents the influx of calcium from endolymph into the vestibular sensory cell। और ये कौन सी ड्रग है, एंटी वर्टिगो, इसको इंपॉर्टेंट है याद कर लेना आप। तो ये भी इंपॉर्टेंट है मैकेनिज्म, एंटी वर्टिगो तो इंपॉर्टेंट है इसे। अगली कैटेगरी की ड्रग है मेटोक्लोप्रोमाइड। पार्ट 1 और 2 में हमने देखा था कि जो ड्रग्स हैं या फिर अपने को एंटी मैसेस जो हम थेरेपी देना चाहते हैं, वो ड्रग्स ब्रेन के थ्रू काम करेंगी और वो ड्रग जीआईटी पर काम करेंगी, क्योंकि ब्रेन पर तो आपने वॉमिटिंग सेंटर को स्टिमुलेट होने वाले जो रिसेप्टर थे उनको आपने ब्लॉक कर दिया।
और ब्रेन में आपने जीआईटी में क्या किया, जीआईटी में आपने किया कि जो भी कंटेंट था आपका स्टमक के अंदर उसको इंटेस्टाइन में डाल दिया, और वहां पर हमने एक निमोनी की याद किया था कि डोम शेप आपको मेट्रो ड्रग देनी है, और मेट्रो से क्या था, मेटोक्लोप्रोमाइड, और चूंकि वो फास्ट चलती है, हरी चलती है, इसलिए मेटोक्लोप्रोमाइड हरिंग एजेंट्स में आ जाती है, और क्योंकि वो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग की काइनेटिक्स को चेंज करती है इसीलिए वो प्रो काइनेटिक कैटेगरी में भी आती है। तो यही पे है वो मेटोक्लोप्रोमाइड। तो यस, इट इज प्रो काइनेटिक ड्रग, इट इज गैस्ट्रिक हरिंग एजेंट, इट इंक्रीजेस गैस्ट्रिक एम्प्टिंग, ये मैं आपको बता चुका हूं। अब इस पर शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है और इस पर अंदर से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, सो लेट अस कवर दोस क्वेश्चंस। तो एज इसका मैकेनिज्म है ना, ये अपने दोस्त के थ्रू काम करता है। अब दोस्त क्या है, मतलब एक तो दोस्त है डी, इस तरह से डी फोर डोपामिन, एस से क्या बना, सीरोटोनिन, मतलब डोपामिन और सीरोटोनिन के थ्रू काम करेगा। और हम जानते हैं कि डोपामिन और सेरोटोनिन रिसेप्टर पार्ट वन के अंदर हमने देखा था कि दोनों इन्वॉल्व होते हैं कहां पर, वॉमिटिंग के अंदर। तो यस, दोनों को ब्लॉक करता है, तो यस इट ब्लॉक्स G2 एंड इट ब्लॉक्स HT3 रिसेप्टर सेरोटोनिन। लेकिन ब्लॉक कर रहा है उसके बावजूद भी हमने क्या बोल रखा है, इसको दोस्त रखा है, क्योंकि ब्लॉक करने के बावजूद भी इसकी एक और चीज होती है, उसको बोलते हैं एगोनिज्म। मतलब 5HT4 रिसेप्टर पे ये एगोनिस्ट की तरह बाइंड होता है। और याद रखने वाली बात ये है कि व्हेनेवर 5HT4 रिसेप्टर बाइंड्स विद द रिसेप्टर इन जीआईटी, तो उसमें क्या होता है, दिस रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन इन द जीआईटी, और एसिटाइल कोलिन का जब जीआईटी में रिलीज होगा तो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग बढ़ेगी, मतलब ये कंटेंट फटाफट ऊपर से नीचे आ जाएगा, तो कि कंटेंट फटाफट नीचे आ जाएगा, और हम यही तो चाहते हैं। तो मतलब तीन मैकेनिज्म हो गए, ये ब्लॉकेट और ये एगोनिज्म। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जिस ड्रग को स्टमक के अंदर एब्जॉर्ब होना है उसको अगर फास्ट तरीके से इंटेस्टाइन में चली गई तो उसका एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। और जिस ड्रग को इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होना है उसका एब्जॉर्प्शन या बायोलिटी बढ़ जाएगी, यस, ये हम पढ़ चुके हैं और वीडियोस के अंदर भी, और बहुत इंटरेस्टिंग है ये ड्रग इंटरेक्शन, जिसके लिए आप प्लीज रेफर टू डिफरेंट वीडियो। तो अगर इंटरेक्शन की बात करें मेटोक्लोप्रोमाइड की, तो यस, डिक्रीज बायोअवेलेबिलिटी और एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग लाइक सिमेटिडिन एंड डिजॉक्सिन, जो मेनली स्टमक के अंदर एब्जॉर्ब होती है। अब चूंकि फटाफट नीचे जा रही है तो कम समय है एब्जॉर्प्शन के लिए, तो बायोअवेलेबिलिटी कम होगी। ऐसे ही इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ एस्पिरिन एंड डाइजेपाम, चूंकि इनका मेन एब्जॉर्प्शन होता है इंटेस्टाइन के अंदर, तो जितना जल्दी जाएंगे इंटेस्टाइन के अंदर इनके एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। अब एक चीज आपको याद रखनी है, याद ही रखनी है, क्वेश्चन आया है कि चूंकि ये D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करके काम करता है, यस उनके काम करता है, तो आपको याद रखना है कि बहुत इंपॉर्टेंट कि इट ब्लॉक्स L-DOPA इफेक्ट। लीवर डोपा जो ड्रग है आपके पार्किंसोनिज्म को ट्रीट करने के काम में आती है, उसके एक्शन को ब्लॉक करता है ये। इसको याद करने का एक तरीका है, एक निमोनिक है, एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है भैया, दवा क्या है, ये मेट्रो दवाई तो है, हमने देखा था पार्ट 2 के अंदर, जो डोम शेप है, और मेट्रो के अंदर आप जानते हो खाना पीना अलाउड नहीं होता है, यस, तो मेट्रो अवॉइड्स डिनर, डिनर से क्या बना, डोपामिन, तो मेट्रो ब्लॉक करती है, मना करती है किसको, डोपामिन को। कहने का मतलब ये एक दूसरे के इफेक्ट में अपोजिट रहेंगे, मतलब इफ द पेशेंट इज टेकिंग दिस और साथ में ये होगा मेटोक्लोप्रोमाइड, तो एक दूसरे का एंटागोनिस्टिक इफेक्ट आएगा, आप समझ में होंगे, डिटेल हम दूसरे वीडियोस में देखेंगे। ये बात की ड्रग इंटरेक्शन की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अब बात करते हैं एडवर्स इफेक्ट की। अब ये मेट्रो का है, बहुत अच्छी है, अपने को फायदा दे रही है मैसेज के अंदर, लेकिन इसका एक एडवर्स इफेक्ट है, ये स्टेशन पे खड़ी नहीं होती है, इसको पार्क में खड़ा करना पड़ता है और गली में खड़ा करना पड़ता है, चक्कर ये है, यही सबसे एडवर्स इफेक्ट है, जबकि मेट्रो के साथ ऐसा थोड़ी होता है। तो याद करने का तरीका है कि इसको पार्क करना पड़ता है, कहां, गली के अंदर पार्क करना पड़ता है, तो पार्क से क्या बना, पार्किंसोनिज्म, और गली से क्या बना, गैलेक्टोरिया। अब
पार्किंसोनिज्म आप समझते हैं, अगर लंबे समय तक अगर हम देंगे क्योंकि डी टू ब्लॉक कर रही है, तो हम जानते हैं डोपामिन रिसेप्टर को अगर ब्लॉक किया लंबे समय तक ब्रेन के अंदर तो डेवलपमेंट हो जाता है पार्किंसोनिज्म का। अपर उसके अलावा गैलेक्टोरिया है, मतलब बहुत ज्यादा लैक्टेशन, इसकी भी फिजियोलॉजी और एटियोलॉजी और जो आपकी मेन मैकेनिज्म है आपको एंटी पार्किंसोनिज्म के अंदर मिल जाएगा आपको। तो ये एडवर्स इफेक्ट है कि इसको पार्क में खड़ा करना पड़ता है, गली में खड़ा करना पड़ता है एडवर्स इफेक्ट। तो यूज क्या है, यूज यह है कि यहां पर जो खाना था ना वो नीचे आ रहा था। अब ये खाना क्या है, यहां पर पेशेंट खाने नहीं खाया हुआ था, यहां पर एग खाया हुआ था, ये डबल जी वो एग को नीचे ले आया। भाई ये तो काम होता है प्रोवाइडर का ऊपर से, तो एग क्या है ई डबल जी, ई से क्या आपका ई से क्या बना, एक तो इमेसिस या एंटीमेटिक, फिर जी से बनता है इट इज गैस्ट्रोकाइनेटिक, मतलब इन इमरजेंसी कंडीशन इट इज यूज्ड व्हेन द जनरल एनेस्थीसिया इज टू बी गिवन, मतलब फटाफट ऑपरेशन कर रहे हैं, स्टमक के अंदर कुछ है तो फटाफट उसको निकालना है वहां पर, यस यहां पर यूज किया जाता है मेटोक्लोफेनामाइड। तो ई से ये हो गया, जी से ये हो गया, फिर एक और जी है तो जी से क्या बना, जी ई आर डी गैस्ट्रो इसियोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, डिटेल्स हम एंटासिड्स पढ़ेंगे जब देखेंगे। और चूंकि ये डी है, ये डी खत्म हो रहा है तो डी फिर स्टार्ट हो गया, डी से बना डिस्पेप्सिया। तो ये कहानी किसकी, मेटाक्लोप्रोमाइड की। अब हम बात करते हैं अगली ड्रग्स की, लेट अस सी अगली ड्रग्स क्या है। ड्रग है डोमपेरिडोन, हम जानते हैं डोमपेरिडोन इट इज डी टू ब्लॉकर, क्लासिफिकेशन में आपने देखा है। अब ये कैसे काम करती है, ये भी ब्रेन के थ्रू काम करती है, जीआईटी के थ्रू काम करती है। अगर बात करें डोमपेरिडोन की जीआईटी के अंदर, तो इट इज इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, मतलब इनहिबिटरी इफेक्ट करती है जीआईटी की पेरिस्टाल्सिस पर, मोटिलिटी पर, मतलब इट डिक्रीजेस गैस्ट्रिक एम्प्टिंग। तो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग डिक्रीज करता है तो क्यों ना उसको ब्लॉक कर दिया जाए। तो जब डी टू एंटागोनिस्ट देंगे तो क्या होगा, देयर इज इंक्रीज गैस्ट्रिक एम्प्टिंग, पर वही तो हम चाहते हैं ऊपर से नीचे आ जाए फटाफट। तो यस दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो ये तो बात हुई जीआईटी की, लेकिन ब्रेन के अंदर, तो ब्रेन के अंदर जो डोमपेरिडोन है ना इसकी परमेबिलिटी पुअर होती है, तो फिर कैसे इफेक्ट आता है, भैया कैमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन है ना, वहां पर तो लफड़ा ही नहीं है, कोई भी चीज आराम से एंट्री हो जाती है वहां पर। तो यस ये एनटीएस पर काम नहीं करता, सीटीजेड पर जाएगा और वहां पर जो डोपामिन रिसेप्टर है उनको ब्लॉक करेगा और जो इमेसिस है उसको खत्म कर देगा, इसीलिए ये रेड मार्क दिया गया है। ये है डी टू एंटागोनिस्ट। नेक्स्ट कैटेगरी आती है आपकी 5-HT3 एंटागोनिस्ट, उसमें पर देखा सर गोपाराम नाम का टीचर था जिसको सेट किया जाता है रोज देकर निमोनिक्स के लिए, आप पार्ट वन देखिए। उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बनता है तो ग्रेनी सेट्रॉन, भैया ग्रेनी क्या होती है, ग्रेनी तो दादी होती है और दादी के बाप अनुभव ज्यादा होता है, हर चीज ज्यादा जानती है। तो यस ग्रेनी सेट्रॉन इज 10 times मोर पोटेंट देन ऑनडेन सेट्रॉन, मतलब 10 गुना ज्यादा काम करेगी इससे ऑनडेन सेट्रॉन से। अगली दवा है पेलेनोसिट्रॉन, भैया पेल्स क्या है, ये तो पाल है, पाल आप समझते हो ना बिछाने वाली चीज होती है हिंदी का जैसे, और पाल बहुत लंबा होता है। तो यस लंबा लॉन्गेस्ट एक्टिंग ड्रग कौन सी है 5-HT3 में, तो यह है पेलेनोसिट्रॉन। तो यह है आपकी बेसिक ड्रग्स के बारे में जानकारी। अब और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके आते रहेंगे, लेकिन उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना है चैनल, और आप कमेंट प्लीज ना करना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। योर कमेंट्स गिव मी एनर्जी टू प्रिपेयर मोर एंड मोर वीडियोस। Be in touch, keep studying. Best of luck.